भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के दे, और कछु नहीं चाहिए तो निज दिन तुम ऋषे। नीलांजन समाउ भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायमार्तन शंभूतम तम नमामि शनेश्वरम। ओम शम शनिश्चराय नमः। नारायण। 1 जुलाई सन 2013 और सोमवार का दिन है, और हर रोज एक जीवन मंत्र बताता हूं उस दिन के लिए, शकुन और शांति के लिए। आज सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन शकुन और शांति और प्रेम से बीते। सुंदर जीवन मंत्र, ओम दिव्य भुजाय नमः, ओम दिव्य भुजाय नमः। इस मंत्र का जाप जब भी आपको मौका मिलता करिए, बहुत कल्याण होगा, मन शांत रहेगा, परेशानियों का छुटकारा मिलेगा। बहुत सुंदर अद्भुत जीवन मंत्र है, ओम दिव्य भुजाय नमः। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार के पंचांग की। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की नवमी और विक्रम संवत 2070 प्रातकाल नक्षत्र रेवती नक्षत्र चंद्रमा मीन राशि। सोमवार का राहुकाल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, कोई मंगल कार्य शुरू करना शास्त्रोक्त नीति से अनुकूल और उचित माना नहीं गया, मर्जी आपकी है। नमो नारायण। अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूँ, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं सोमवार के राशिफल की। नमो नारायण। मेष राशि, गणनाएं संकेत देरी की आज सावधानी से करना पड़ेगा। गणनाएं ये भी संकेत देरी की अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। गणनाएं ये भी संकेत देरी की रिश्तों को संभाल कर रखना पड़ेगा मेष राशि वालों आज, क्योंकि सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत है। अन्यासी कार्य संबंधी अवरोध महसूस करेंगे, भोग विलास में खर्चा बढ़ेगा, धन और समय का अपव्यय होगा, और स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत भी नजर आ रहा है। मेष राशि वालों, भयभीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन निजगत कर्मों की वजह सितारे ये कह रहे कि सावधानी की आवश्यकता है। छोटा सा उपाय है, सुबह घर में घी का दीपक जलाए, संकट मोचन हनुमान अष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनों हूँ लोगों भयो अंधी आरो, कोई नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन ना, इसके 5 या 7 पाठ करें, बहुत शुभ बहुत अनुकूल रहेगा। क्या करें, धैर्य और संयम से कार्य करें। क्या ना करें, चिकित्सा के प्रति कोई लापरवाही ना करें। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, गणना संकेत दे रही है कि समय शुभ है, आज आपका क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी सर्कल में बहुत ऊंचे लोग आएंगे, आपका संबंध बहुत ही ऊंचे लोगों से होगा, ऊंचे लोगों से आपकी मित्रता बनेगी, और यह मित्रता आपके लिए लाभकारी साबित होगी, क्योंकि प्रयास के अनुकूल धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, सरकारी कार्य बनेंगे, सरकार से मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समय अनुकूल है, सितारे शुभता का संकेत है, और इसका आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। क्या करें, स्वजनों के हित के लिए थोड़ा सा कार्य करें। क्या ना करें, झूठ और धोखे से कोई कार्य ना करें। नमूना और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, ग्रहगोचर की गणना सफलता से भरी हुई नजर आ रही, आज प्रेमपूर्ण वातावरण में अपना कार्य प्रारंभ करेंगे और समाप्त भी करेंगे, आसपास से खुशियों के शुभ समाचार प्राप्त होंगे, क्योंकि गोचर बहुत मन अनुकूल है, मनचाहे कार्य में सफलता मिलेगी, व्यापार में धन वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, और रुक में सारे कार्य बनेंगे और दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, नए कार्य के अवसर का लाभ उठाना बहुत जरूरी है आज के दिन। क्या ना करें, पिता से कोई मतभेद न हो इस बात का ध्यान रखें। नमन और बात करते कर्क राशि। कर्क राशि वालों, संपूर्ण गणनाएं सफलता का संकेत दे रही है, सुप्रयास सफल होंगे, आपके प्रयासों की सराहना होगी, किए गए प्रयासों के अनुकूल धन लाभ की प्राप्ति होगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, सवार सभा और सोसाइटी या गोष्ठी में जाने का अवसर मिलेगा, कला और कौशल के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, धार्मिक रुझान और धार्मिक यात्राओं का प्रबल योग
और दिन सुकून और शांति से बीजे, क्योंकि परिवार का साथ मिलेगा और पैसा भी प्राप्त होगा। क्या करें, धार्मिक और मांगलिक कार्य में थोड़ा सा हिस्सा लेना सामाजिक दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ और मंगलकारी है। क्या ना करें, किसी कार्य और वार्ता में जल्दबाजी ना करें। नमन, और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, बहुत जरूरी है अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना। जिस तरह के घर योगायोग है, अकारण किया क्रोध नुकसान में डाल देगा। बिना सोचे समझे लोगों पर अंधा विश्वास भी आपको नहीं करना है। ये लोग जिन पर आप अंधा विश्वास करते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप इसके साथ चीट कर सकते हैं। सितारों की चाल, प्रतिकूलता का संकेत। कार्य क्षेत्र में बाधा, धन हानि की संभावना। विवादास्पद मामलों से दूर रहना बहुत जरूरी है। गुप्त कार्य, सरकार विरोधी कार्य नुकसान देगा, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, ऐसा सितारे कह रहे हैं। छोटा सा उपाय है और ये उपाय बहुत अच्छा रहेगा। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी कन्याओं को भोजन कराएगा, आपका कल्याण होगा। भगवान सूर्य को जल भी चढ़ाएंगे तो आपके लिए शुभ और कल्याणकारी है। क्या करें, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को मदद करें। क्या ना करें, कारोबारी यात्रा में कोई लापरवाही ना करें। नमन, और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, कारोबारी परेशानियों से राहत मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य संबंधों में सुधार और परिवार पक्ष से लाभ के अवसर मिलेंगे। मानसिक चिंताएं दूर होगी और दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, यदि आप व्यवसायिक यात्रा करना चाहते हैं तो मुझे गुरु गोचर अनुकूल नजर आ रहा है। क्या ना करें, बस यात्रा में कोई लापरवाही ना करें। नमन, और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, संपूर्ण गणनाओं का संकेत ही नजर आ रहा है कि आज आपकी मन की होगी, खुशियां प्राप्त होगी, आसपास का वातावरण मनोअनुकूल रहेगा और जिस तरह के घर योगायोग है, उन्नति के पर्याप्त अवसर आपको लाभ देंगे। किसी उच्च अधिकारी से सहयोग से रुका हुआ कार्य बनेगा, पारिवारिक सुख और सहयोग बनेगा और दिन अच्छा बीत जाएगा। क्या करें, थोड़ा सा जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ व्यवहार मधुर रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, किसी से भी झूठे वादे न करें। नमन, और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, कार्य व्यवसाय में दैनिक दिनचर्या में सुधार होगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, काम में मन लगेगा और किए गए काम का परिश्रम का मनोअनुकूल परिणाम भी प्राप्त होंगे। संयमपूर्वक कार्य किया तो विशेष सफलता आज मिलेगी, लेकिन आज संतान का सहयोग मिलना कठिन है। संतान पे थोड़ी सी पैनी नजर रखनी होगी और खर्चों पर काबू रखना पड़ेगा तो दिन बहुत अच्छा बीत जाएगा। क्या करें, संतान पक्ष को रास्ते पे लाने के लिए उसके साथ बैठना होगा। नमन, अरे क्या ना करें तो आर्थिक हानि ना होने दे। नमन, बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, संपूर्ण गणनाएं आज संकेत दे रही कि विवादित सौदों में पूंजी निवेश आपको नुकसान दे जाएगा। वाणी में संयम नहीं रखेंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। यदि आपके मन में अहम और ईर्ष्या का भाव है तो तब भी आपको नुकसान होगा। आप आपस में मतभेद और स्वजनों के प्रति तनाव, असहयोग की भावना रहेगी, जिससे आपको बहुत मोटा नुकसान। आज आपको सहज भाव से रहना है, रिश्तों को संभाल के रखना है, अपनों को साथ लेके चलना है, अपनों के साथ मतभेद नहीं हो इस बात का भी ध्यान रखना है और अपने अहम पर काबू रखना है, खर्चों पर भी काबू रखना है। समय थोड़ा सा प्रतिकूल, छोटा सा उपाय और ये उपाय बहुत सुंदर रहेगा। आज कंजकों को पीली वस्तुओं का दान देके देगी, आपका कल्याण हो जाएगा। क्या करें, कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें, शत्रु को बढ़ावा ना दे। नमन, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रह और गोचर दोनों ही आपके लिए अनुकूल और सफलता का संकेत दे रहे हैं। आज मित्रों से लाभ और प्रसन्नता प्राप्त होगी। आज आप अपने अनुजों के प्रति जिम्मेदारी पूरा करने में आप सफल लगे कि गोचर सफलता का संकेत दे रहे हैं। समाज में मान सम्मान और पराक्रम बढ़ेगा, लेन देन के मसले हल होंगे, पारिवारिक सदस्यों से वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे, प्यार और पैसा दोनों ही आज प्राप्त होगा। क्या करें, अधिकारी वर्ग के साथ मिलकर चले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, व्यावसायिक परिवर्तन ना करें। नमन, और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि थोड़ा सा सोच विचार कर काम करें और का घटगियो रहिमन जो भृगु मारी दा। यदि विनम्रता का भाव रखा तो सफलता आपका दामन चूमेगी। थोड़ी सी पारिवारिक और व्यवसायिक स्थिति मध्यम है। मनोविनोद और घूमने फिरने में समय और धन का अपव्यय नहीं हो इस बात का ध्यान। शिक्षा में रुचि कम रही तो नुकसान हो सकता है। जिस तरह के घर योगा योग है, आज थोड़े से परिश्रम की आवश्यकता है। ना बना रहे, क्या करें, नई व्यवसायिक खरीदारी दोपहर 2 बजे के बाद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, बिना सोचे समझे
बिना सोचे समझे किसी के साथ मध्यस्थता ना करें। नमनन और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों समय अनुकूल, ग्रह गोचर अनुकूलता सफलता और लाभ का संकेत दे रहे हैं। नवीन कार्य करने के लिए समय बहुत अनुकूल है। व्यावसायिक सफलता के अवसर निरंतर मिलते रहेंगे। आज पूरा दिन कोई न कोई नई नई योजनाएं मिलेगी और ये पूरी हो जाएगी। दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता आएगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और संपूर्ण मानसिक बेचैनी से छुटकारा मिलेगा। गोचर बहुत शुभ है। क्या आप स्थानांतरण कर सकते हैं? आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। क्या ना करें, पारिवारिक आवश्यकताओं को अनदेखा ना करें। नमन ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सेकंड ओपिनियन आपका पूर्ण अधिकार है। नमोनारायण। और बात करते हैं आज के लाभ की। यदि प्रयासों के बावजूद कारोबार में लाभ नहीं होता हो, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो शुक्रवार की रात्रि में कांसे या पीतल की थाली में काजल लगाकर उसे पूरी तरह काले कर दें। फिर चांदी की सलाका से उस थाली में लक्ष्मी का स्वरूप अपने हाथ से बनाए, चाहे वो कैसा भी बने। फिर उस चित्र के ऊपर लक्ष्मी यंत्र रख दें, चाहे वो श्री यंत्र हो, चाहे व्यापार वृद्धि यंत्र हो, चाहे अष्टलक्ष्मी यंत्र हो, स्थापित कर दें। और एक निष्ठ होकर एकमात्र सफेद धोती पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुड़ कर सामने गेहूं के आटे के 5 दीपक बनाए, उसमें कोई भी तेल चाहे सरसों तिल शुद्ध तेल भरकर प्रज्वलित कर दें। थाली के चारों कोनों पर दीपक रख दें और मूंगे की माला पर ओम ह्रिंग ह्रिंग श्रिंग श्रिंग ह्रिंग ह्रिंग फट इस मंत्र की 51 माला जाप करें। माला एक ही रात में पूरी करनी। जब ये जब जब मंत्र पूरा हो जाए, रात्रि में विश्राम वहीं करें, जमीन पर सोए, अवश्य लक्ष्मी की कृपा होगी और मनवाची सफलता और धन की प्राप्ति जरूर होगी। कारोबारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। नमन। और बात करते हैं आज के नुस्खों। यदि लू लग गई हो, गर्मी का मौसम, हरे चने की फली को खाकर हरी पत्तियां छाया में सुखा कर रख ले। गर्मियों में मुट्ठी भर पत्तियां रात भर भिगो दे, सुबह उसे पानी को पीस कर छान ले और उसको पी जाए, लू का असर तुरंत खत्म हो जाए। यदि लू लग गई तो भुने हुए प्याज को पीसकर उसमें जीरे का चूर्ण मिलाकर मिश्री मिलाकर खाने से लू का प्रकोप तुरंत खत्म हो जाता है। ये रामबाण, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि आप चिकित्सा का सहारा ना लें। आप अविलंब डॉक्टर का संपर्क करें। नमन। छोटे छोटे मेरे नुस्खे, छोटे छोटे मेरे उपाय, सारे नुस्खे सारे उपाय सारे टोटके www.shanidham.in पर मिल जाए। इन पर मैंने बहुत लिखा है, दाती उपाय खंड 1 से लेकर 12 तक और अद्भुत देसी नुस्खे भाग 1 से लेकर 5 तक। ये आप 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करें या 9717457565 9910691953 किसी भी नंबर पर आप जाएंगे या जो नंबर टीवी स्क्रीन पर आ रहे इन नंबरों से संपर्क करके आप घर बैठे दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं, साहित्य मंगवा सकते हैं या कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नमनान। और बात करते हैं दाती गुरु मंत्र। मन चंगा तो काठो, जिसका मन विशुद्ध है उसके घट के भीतर गंगा है, उसके घर में गंगा है। जिसके जीवन में पवित्रता है उसका जीवन एक मंदिर है। जिसका मन मलिन है उसके द्वारा किया गया जप या तप या दया या दान या दीक्षा और दक्षिणा सब धार्मिक क्रिया निष्फल है। धर्म का आधार मन की पवित्रता से, उस आधार को ढूंढे और सद्गुरु की शरण। जिसका मन निर्मल है, कर्म अच्छे हैं, विश्वास है, मजबूत है, वो व्यक्ति दुकान में बैठा हो या मकान में, देश में आ जाए विदेश में, अकेला हो जो भीड़ में, हर स्थान पर उसके साथ परमात्मा की कृपा बरसती है और परमात्मा उसके साथ रहते हैं। साबुन लगा ना मिटेगी मन की मैल, सद्गुरु के ज्ञान से मिटेगा मन का मैल। आंखें खुली रख, आंखें खुली रख कर भी आप अंधे हैं यही बात बताना है आज मैं। इसलिए बंद आंखों से अंधे होते हुए खुली आंखों से अंधे मत बनो, अपने मन को पवित्र करो, अपने मन के मेल को मटो, सद्गुरु की शरण में जाओ, आपका कल्याण होगा। नमोनाथ। और बात करते हैं आज के सुझाव। आज सोमवार का दिन, 12 के 12 राशि के लोग नित्यक्रम से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने गुलाब की धूप बत्ती जलाएं 108 बार, जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति इस मंत्र का जाप ओम ऐंग रिंग श्लिंग क्लिंग हंसो जगत पशुतये नमः। ये मंत्र कभी खाली नहीं गया, इसका जाप करें, आपका कल्याण हो जाएगा। आज इतना ही, कल के लिए यदि आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह है
लेकिन आपके घर में कलह बहुत रहता है, क्या है उपाय? गृह कलह निवारण के क्या उपाय? और गर्मी में हैजा जैसी अवस्था आ गई तो क्या करें? साथी, अद्भुत जीवन मंत्र, अद्भुत राशिफल और अद्भुत टोटकों को लेकर आऊंगा कल, लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।